आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, यानी कि बताना है जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो क्या है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हम यहाँ देखें, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, हार्मोन वो होता है जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क की, जो क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ये स्रावित होता है ये हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये क्या कार्य करता है, ये जो गोनेड होते हैं नर मादा के गोनेड, उनको क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, ये लिंग ग्रंथि को स्राव बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर FSH एवं LH। तो यहाँ पर FSH एवं LH के बारे में देखें, FSH एवं LH, तो जो FSH हार्मोन होता है उसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और इसी तरह जो LH हार्मोन है इसको कहेंगे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होते हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं, यानी कि क्या ये किससे स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होंगे। एवं ये क्या कार्य करते हैं, जो FSH होता है वो मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, नियंत्रित एवं स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ ये क्या करता है, प्रजनन प्रणाली में, मादा की जो प्रजनन प्रणाली होती है उसको क्या करता है, उसका नियंत्रण करता है, ठीक है, उसका क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। एवं हम देखते हैं कि ये अंड के परिपक्व, यहाँ पर देखते हैं अंड के किसको प्रेरित करता है, अंड को उत्तेजित करता है किसके लिए, परिपक्व के लिए, कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। यही हम LH हार्मोन देखें तो LH हार्मोन क्या करता है, ये भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है जैसे ऊपर देखा हमने, और ये जो होता है वो क्या करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को, मादा के अंदर अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है उसको क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है, यानी कि अंड को इसमें अंडवाहिनी में आने के लिए प्रेरित तो ये करता है। तो ये ऑप्शन हमारा, और ये हम देखते हैं कि जो LH और FSH हार्मोन है इनको हम कहेंगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हम इनको कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। अब दूसरा ऑप्शन देखें, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है MSH, तो MSH के बारे में देखते हैं, MSH हार्मोन, MSH ये भी क्या है, एक हार्मोन है, और इसको हमें क्या कहते हैं, मिलेनोसाइट हार्मोन इसको कहेंगे, ठीक है, यानी कि मिलेनोसाइट हार्मोन इसको कहेंगे। ये क्या करता है, यहाँ पर मिलेनोसाइट इसको स्टिमुलेट हार्मोन इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये जो हार्मोन होता है ये किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। एवं हम देखते हैं कि जो त्वचा की ग्रंथि होती है, त्वचा ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है, और ये क्या करता है, त्वचा की यूवी किरणें जो होती हैं, यूवी किरणों से रक्षा करता है, ठीक है, यूवी किरणों से क्या करेगा, रक्षा करेगा ये हार्मोन। और हम देखते हैं कि ये जो MSH हार्मोन है वो वर्णक का विकास करता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये क्या नहीं होता, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर GH, तो GH क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है,
इसको क्या कहते हैं, जीएच को ग्रोथ हार्मोन इसको कहेंगे। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा, ये भी कहाँ से, यहाँ ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, यहाँ देखें, ये वृद्धि को प्रेरित करता है, वृद्धि को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है, वृद्धि को ये प्रेरित करता है। और हम देखते हैं ये प्रोटीन उत्पादन को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है, प्रोटीन उत्पादन को प्रेरित करता है। इसी के साथ ये वसा के उपयोग को भी प्रेरित करता है, और ये किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होगा, स्रावित, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। लेकिन ये क्या नहीं होता, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं होता सेक्स, ठीक है। और यह चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एडीएच, तो एडीएच के बारे में देखें, तो एडीएच क्या है, एक हार्मोन है एडीएच, तो एडीएच को हम क्या कहते हैं, एंटी यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी यूरेटिक हार्मोन इसको कहेंगे। अब ये जो हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है, ये जल का नियमन करता है, शरीर के अंदर जल का नियमन ये करेगा, और ये भी किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि में इसका क्या होता है, स्टोर होता है ये, ठीक है। और ये रक्त में जल की सांद्रता, रक्त में क्या करता है, जल की सांद्रता बनाए रखता है, ठीक है, इसके द्वारा जल की सांद्रता किसमें, रक्त में नियमित होती है। और ये यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या करेगा, किडनी में अवशोषण का कार्य भी करता है। लेकिन ये क्या नहीं है, यहाँ पर ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन सही है वो FSH और LH हार्मोन क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।